मौका तो दो, इतना प्यार दूंगी कि आप उसका प्यार भूल जाएंगे। Really? आप उसकी बात, आप जैसी हसीन लड़की इतनी बड़ी ऑफर कर रही है, ठुकराना मुश्किल हो रहा है। मुराद, क्या मतलब है इस बात का? कोई भी खूबसूरत लड़की आपको इतनी आसानी से काबू कर सकती है? अरे यार, इतनी जल्दी कैरेक्टर से क्यों बाहर आ गई? अभी तो मेरा सुनो, चार की इजाजत है, फिर भी इतने साल से एक ही के साथ निभा रहा हूँ। क्या मेरी ऑनेस्टी इससे प्रूव नहीं होती? रात, खबरदार खबरदार, अगर आपने ये बात मजाक में भी की ना, तो मैं यहीं से धक्का दे दूंगी। अरे मुझे क्यों धक्का दे रही हो? ये मजाक शुरू किसने किया था? तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत अच्छे हैं मुराद, ये काफी हैं जो मुझे समझते हैं। भाई लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं। ऐसे भी कोई करता है भला अपने शौहर के साथ? शौहर थका आ रहा, घर वापस आता है और बीवी उसको शिकायतों के एक पलंदरे में डाल देती है। मुराद, हाँ तो और नहीं तो क्या भाई, तुम दोनों सास बहू का जो ये झगड़ा है ना, इससे मुझे दूरी रखो। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि सास और बहू के झगड़े में ना बेचारा शौहर मौत में मारा। मुराद, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
क्या हो गया, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज आज के बाद आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आप हैं तो मैं प्लेजेंट सरप्राइज सर, मुझे कैसे फोन कर लिया? लगता है वहां जाकर खुद को बहुत बिजी कर लिया तुमने। भाभी मैं लाइफ में कितना भी बिजी हो जाऊं, कितना भी मसरूफ हो जाऊं, कुछ भी करता रहूं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता हूं। बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। साथ बहुत अजीज हो मुझे। मेरी बस यही दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। आमीन। अच्छा ये बताएं भाभी, भाई की खुशी का क्या जो आपसे वापस आए? साथ प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज भाभी, ये बिल्कुल मत कहिएगा कि ये आपका पर्सनल मैटर है। देखें अगर आपने इस रिश्ते को टूटने से नहीं बचाया ना, आप ये जरूर सोच लीजिएगा, ना सिर्फ आप बल्कि हम सब इस सिचुएशन से सफर करेंगे। साथ बहुत देर हो चुकी है। नहीं भाभी देर बिल्कुल नहीं हुई। ये तुम कह रहे हो साथ? सारी हकीकत जानने के बाद ये बात तुम नहीं कर सकते? मुराद ने जो किया है वो नादानी में करने वाली गलती नहीं थी। देखिए भाभी आपका दुख अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बात बताएं, रूही के मामले में आप मुझे कसूरवार समझती हैं? साथ तुम्हारी बात कुछ और है, तुम अपना कंपैरिजन मुराद के साथ नहीं कर सकते। बात वो नहीं है। देखें गलती इंसान से कभी भी और कहीं भी हो सकती। जैसे भाई से गलती हो गई, वो भी एक आम आदमी आम इंसान है। याद करें रूही की बातों में मैं भी आ गया था। मैंने भी आप सब लोगों से कितनी बदतमीजी की थी, झगड़ा किया था, फिर भी आप सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना। तो फिर भाई क्यों? देखिए भाभी मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहा, आपका और भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मैं सिर्फ ये रिश्ता बचाना चाहता हूं। हेलो भाभी, हेलो भाभी कैन यू हियर मी? हेलो भाभी, हेलो
मुराद सात क्या थी? क्या क्या? एक मिनट, ये जो भी कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। सात ये चीटिंग है, ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे बारे में? मेरी बात सुनो, देखो तुम मेरी बीवी हो ना, मेरी बात तो सुनो। तुमसे पहले मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी, कोई नहीं थी। मैं एक वर्कहोलिक इंसान तब भी था, आज भी हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद लड़की हो। ये जानबूझ के तुमसे ऐसी बातें कर रहा ताकि ये तुम्हें जेलिस कर सके। बोलो बोलो, यही बात है ना? हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ कितनी गलत बात है, तुम अपने भाई के राज मुझे इतने सालों के बाद दे रहे हो। तो मैंने वही बताया जो सच था। एक मिनट, ये कितनी चीटिंग की बात है ना। मतलब अनीशा, साथ के आते ही तुम फौरन साथ की साइड पे हो गई हो। परेशान थी वो बेचारी, रो रही थी, कह रही थी कि अगर हमने उसका बच्चा अडॉप्ट ना किया तो उस बच्चे का, रोही का, सबका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। आपने मुझसे झूठ बोला? झूठ तो नहीं बोल रहा, बता तो रहा हूं तुम्हें। मैंने सोचा कि एक बात जो मुझे पसंद नहीं आ रही कि रात के इस पहर में मुझे फोन कर रही है, तुम्हें कैसे अच्छी लगेगी? को कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए उसने आपको भी फोन कर दिया होगा। हाँ, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है, बात नहीं है, वो घड़ी तो घड़ी यूं बात करने के लिए फोन कर दे, मैं उसकी कॉल सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। आंटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा किया कि तुम आ गई, आओ बैठो। जी वजी को भी ले आती ना साहब? वजी अपने बेटे के साथ वीकेंड घर पे ही मना रहे, मैंने सोचा कि मैं अनीशा से मिलाती हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में ही होती है, कहीं आती जाती नहीं है। क्या बात है आंटी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। अनीशा तो ठीक है ना? पता नहीं ठीक है या नहीं। किसी से बात ही नहीं करती। मुझे लगता है उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा भी था कि मुराद के साथ डॉक्टर के यहाँ चली जाए, लेकिन उसने मेरी बात ही टाल दी। क्या हुआ आप अनीशा की तबीयत को? चेहरा ही हर वक्त उतरा रहता है उसका, ना ठीक से खाती है ना पीती है। लेकिन तुम आ गई हो ना, इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगी। जी मैं जरा उससे मिलाती हूँ।
हाँ हाँ जरूर जाओ। अपनी रफ्तार से तेज दौड़ोगी तो मुंह के बल तो गिरोगी, लेकिन जरा ध्यान से कहीं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगड़ ना जाए। मेरे चेहरे की फिक्र ना करें आप, जाके निशा बीबी को देखें, रो रो के कहीं चेहरा ही ना बिगाड़ लिया अपना। तुम ये वक्त गुस्से का नहीं है, जिस घर में आप खड़ी है ना अनकरीब में उसकी मालकिन बनने वाली। आपकी नंद का शोहर ना बहुत जल्द मेरा शोहर बनने वाला है। क्या हुआ, पता नहीं था? अनीशा बीबी ने बताया नहीं होगा। चलो मैं बता देती हूँ, अब इस घर में पहले जैसी हैसियत नहीं रही मेरी। और उनके जाने के बाद तो ये तख्तोताज सिर्फ मेरा ही होगा। और मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करें। लगता है तुम्हें अपने ख्वाबों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तुम्हें जितने ख्वाब देखने हैं देखो, क्योंकि अपनी बाकी की जिंदगी तो तुम्हें इन्हीं ख्वाबों के सहारे गुजारनी है। असल में तो तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे होंगे नहीं। मुराद अनीशा का था और अनीशा का ही रहेगा, समझी तुम? खाली हाथ तो मैं भी नहीं हूं, जब तक रेहान है ना मेरे पास, उनके पास नहीं जाने दूंगी। रूही मेरी तरह की एक औरत, वक्त ने कितना कुछ उससे छीन लिया। जेल में शोहर सजा काट रहा है, इस सब में रूही का क्या कसूर? मैं उसे इस तरह से देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं उसे हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मैंने तुमसे कहा भी था कि कुछ नहीं हुआ मुझे, बिलावजह डॉक्टर के पास लेके जा रही हो। तुम कम से कम अपने इस बात से मुझे तो मुतमईन नहीं कर सकती। मुझे तो हैरत होती है अनीशा, क्या ये वही मुराद है जो तुम्हारी एक छींक से इतना परेशान हो जाता था? आज तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी तबीयत का अंदाजा नहीं लगा सकता, या उसने तुम्हारी तरफ देखना ही बंद कर दिया है? तुम्हें मेरी वजह से परेशानी है या मुराद पर गुस्सा है? फिलहाल तो तुम्हारी तबीयत को लेकर परेशान। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं, ठीक हो जाऊंगी मैं। तो ठीक है, तुम्हारे टेस्ट हो जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी, तुम्हें भी और मुझे भी। और उससे भी जिसे तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं जानती हूँ मैं, मेरे फैसले ने भाई को बहुत हर्ट किया है,
क्या बहुत ज्यादा परेशान है वो? बहुत। भाई से कहना मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं अपना हर छोटा बड़ा फैसला खुद कर सकती हूँ। अनीशा, तुम किस बड़े फैसले की बात कर रही हो? बोलो अनीशा। हद हो गई है वैसे, मतलब कमाल है कि अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। बेटा वो अकेली नहीं गई है, निमल के साथ गई है। लेकिन वो निमल की जिम्मेदारी नहीं है मॉम, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसे लेके जाना चाहिए था। मैंने उससे कहा था कि मुराद के साथ चली जाओ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं निमल के साथ भी ना भेजती क्या? कसूर आपका नहीं है, मेरी किस्मत खराब चल रही है। अच्छा वो कौन से हॉस्पिटल गए हैं मुझे कम से कम ये बता दीजिए, मैं उनके पास तो चला जाऊं। नहीं ये तो कहकर नहीं गई मुझे। लेकिन बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, दोनों आती ही होंगी। कैसे इंतजार कर लूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मॉम। अच्छा टेंशन नहीं लो, निमल से पूछती हूँ कहाँ है। हेलो, हाँ निमल तुम लोग कहाँ पहुंचे हो? अच्छा ठीक है आ रहे हैं। दामन में जितने थे हम दे चुके हैं तुमको, वो हम कांटों से रास्ता भर दिया। देख लिया कुछ हुआ मुझे, अब तो टेस्ट भी करवा लिया हमने, तसल्ली हुई तुम्हारी? सब्र कर, पहले टेस्ट रिजल्ट आ जाने दो, फिर जाके होगी तसल्ली, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। और तुमने ये खाना पीना किस खुशी में बंद किया हुआ? ये किसने कहा तुमसे? अब उन्हीं लोगों ने जिनको तुम्हारी फिक्र है। और थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक सवाल किया, तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तुम किस बड़े फैसले की बात कर रही हो अनीशा? बताओ मुझे कैसा फैसला करने जा रही हो? मैंने मुराद को इजाजत दे दी है। कैसी इजाजत? यही कि वो जब चाहे रूही से निकाह करके उसे अपना सकता है। तुम होश में तो हो? तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? तुम अपने आप पर एक सौतन लाओगी? मैं मुराद से अलहदगी इख्तियार करूंगी। मैं ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहती थी, लेकिन सिर्फ पापा की वजह से रुकी थी, क्योंकि मैं पापा को ये सदमा नहीं दे सकती। तुम मुराद से डिवोर्स लेके जिसको अपनी जगह देने का सोच रही हो ना, उसने मुराद को तुमसे चुरा लिया अनीशा। 8 साल लगा के जो तुमने एक एक करके खुशियां समेटी थी ना, वो उसने एक पल में ही बिखेर दी। बजाय इसके कि तुम उससे अपने हक के लिए लड़ो, तुम उसके सामने अपने हथियार डाल रही हो। तुम इतनी कमजोर तो नहीं हो अनीशा? तुम जानती हो
जब मुराद ऑफिस से घर आते थे तो कहाँ मिलते थे मुझे? रूही के कमरे में। अपने बच्चे और उस औरत के साथ। उस औरत के साथ जिसने मुराद को औलाद जैसी खुशी दी। इन 8 सालों में मैंने मुराद को प्यार के अलावा और दिया ही क्या? नहीं, क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। एक तरफ मैं अकेली और दूसरी तरफ रात का बच्चा और वो औरत। क्या लगता है तुम्हें, किसे चुनेंगे मुराद? लेकिन मेरा दिल ये तकलीफ और नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं मुराद की जिंदगी से निकल जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। सच तो ये है कि तुम मेरी किसी सच्चाई पर यकीन करना ही नहीं चाहती हो अनीशा। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए अपना एक सच जिसे मानकर तुम बैठी हुई हो, इसलिए मेरी बात का कोई असर नहीं होगा। तुम लड़ना चाहती हो मुझसे, झगड़ना चाहती हो तो झगड़ो। मैं खामोशी से तुम्हारी हर बात सुनूंगा। तकलीफ पहुंचाना चाहती हो ना मुझे, तकलीफ पहुंचाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुमने अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया है, मैं भी अपने मामले को अल्लाह पर छोड़ा। मेरी सच्चाई अल्लाह ही सामने लेकर आए। रहा सवाल बाबा का, उनके सामने खुश रहने की एक्टिंग मैं भी कर लूंगा। वैसे आप ही बताएं, आप कहती हैं कि आप मुन्ने की मां हैं, उससे बहुत प्यार करती हैं। कभी सोचा है उसके बारे में? अगर उसे बाप का नाम ना मिला तो दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारेगा? लोग ताने कसेंगे उसे, आप तो बहुत प्यार करती हैं उससे। अब अपनी ममता का सबूत दे और चली जाए इस घर से। और इस घर की फिक्र ना करें, इस घर को, मुराद को, मैं सबको बड़े अच्छे से संभाल लूंगी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर ने क्या कहा?
कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? लेकिन डॉक्टर के जाना था तो मुझसे कह देती, मैं ले जाता। मेरे साथ जाने पर कोई एतराज है तुम्हें? कुछ खाया है? अनीशा तुमसे बात कर रहा हूं मैं, जवाब तो दो मुझे मेरी बात का। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें मेरी परेशानी का? मैं जिंदा हूं, ठीक हूं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं इस दिखावे से बाहर आ चुकी। दिखावा? मुझे लगता है जो मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूं ये सब दिखावा है। मुझे तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं। चलो ठीक है, तुम्हें लगता है ना ये दिखावा है, फिर भी कम से कम मेरे सवालों के जवाब तो दे सकती हो मुझे। जब हमारे बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं है तो बातचीत का क्या फायदा? मुराद, अगर मैं मर भी रही हूँ तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, आप किचन में क्या कर रही थी? घर में इतने मुलाजिम है, किसी और को कह देती। अब आप तो यहाँ मेहमान की हैसियत से हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम आपकी खिदमत करें। कुछ और चाहिए हो ना तो मुझे बताना। बचपन से लेकर आज तक मुलाजमों के होने के बावजूद मैंने अपनी आदतें नहीं बिगाड़ी, अपना हर काम खुद किया। और मैं यहाँ मेहमान की हैसियत से नहीं आई, एक बहू की हैसियत से आई। और तुमने अगर इस घर के किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद हो, समझी? हाय अल्लाह, रुके आप जरा, क्या किया आपने? ये क्या किया है? तुही को नुकसान पहुंचाने वाले का अंजाम ना जिंदगी भर बुरा होता है। आप जानती नहीं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी तो रास्ता छोड़ो मेरा। रूही जिसके रास्ते में आ जाए ना, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते। आप भी दिन गिनने शुरू करते हैं, हाँ आपके भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हैं ना, वो मंजिल मेरी होगी। जिस मंजिल तक पहुंचने की तुम्हें ख्वाहिश है ना, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। वो रास्ता मैंने तुम्हें दिया है। मुराद को हासिल करना चाहती हूँ, जाओ, इजाजत दी तुम्हें।
तुम्हारे और मुराद के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगी ना मुराद को, लेकिन जब तक पापा यहाँ हैं ऐसी कोई हरकत मत करना कि उन्हें तकलीफ पहुंचे। जैसे ही पापा यहां से जाएं, जो जी में आए वो कर। खुश? हाँ बहुत खुश। आपके शौहर से इतना शादी करके रहूंगी मैं। बस बहुत हो गया तमाशा, अपने हाथ में रहो। Say yeah.